आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बारे में। आज SBI ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को अनाउंस कर दिया है, तो चलिए देखते हैं इस बार कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया है। तो अभी हम आ गए हैं SBI के स्टैंड अलोन क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ और सभी फिगर्स रुपीज इन करोड़ में दी गई हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का टोटल इनकम। पिछले साल कंपनी की इनकम जहां 77,689 करोड़ रुपए थी, वो इस साल बढ़कर 88,733 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 74,988 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 88,733 करोड़ रुपए हो गई है। इनकम के बाद देख लेते हैं एक्सपेंसेस, यानी कंपनी ने खर्च कितना किया है। तो पिछले साल कंपनी का खर्च जहां 59,610 करोड़ रुपए था, वो बढ़कर 67,613 करोड़ रुपए हो गया, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 62,236 करोड़ रुपए से बढ़कर 67,613 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी की इनकम को अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो इसमें लगभग 14% की जंप देखने को मिल रही है, जबकि खर्चों में लगभग 13% की जंप देखने को मिल रही है। अब इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। तो देख लेते हैं इस बार कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। तो पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट जहां 7,626 करोड़ रुपए था, वो इस साल बढ़कर 13,264 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 6,068 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 13,264 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी के प्रॉफिट को अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो इसमें लगभग 74% की जंप देखने को मिल रही है। अब देख लेते हैं कंपनी का EPS यानी अर्निंग पर शेयर। तो पिछले साल कंपनी का EPS जहां 8.55 था, वो इस साल बढ़कर 14.86 हो गया है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 6.80 से बढ़कर ये 14.86 हो गया है। अब क्योंकि हम एक बैंक के नंबर पढ़ रहे हैं तो इसमें प्रॉफिट के अलावा NPA और प्रोविजंस भी देखना जरूरी है, तो चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। बात करें ग्रॉस NPA की, तो पिछले साल जहां ये 4.90% था, वो इस साल कम होकर 3.52% आ गया है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3.91% से कम होकर ये 3.52% हो गया है। तो कंपनी के ग्रॉस NPA तो गिरते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात है। देख लेते हैं इनके प्रोविजंस। तो इस बार के प्रोविजंस है 3,038 करोड़ रुपए, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 4,392 करोड़ रुपए, जबकि एक साल पहले ये थे 188 करोड़ रुपए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसमें अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एडजस्टमेंट की वजह से हो सकता है एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल ना हो, इसीलिए हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ही कंपेयर करेंगे, जिसमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। ओवरऑल SBI ने काफी अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं। अब मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद पता चलेगा कि मार्केट इसको लेकर कैसा रिएक्ट करता है। तो ये हमने देखा SBI के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स को। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।